स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, IBPS आरआरबी क्लर्क प्री का एग्ज़ाम आज का सभी शिफ्ट जो है ओवर हो गया है। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम था, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम में। दोस्तों, मैं फर्स्ट शिफ्ट से लेकर के और फिफ्थ शिफ्ट का प्रॉपर एनालिसिस किया हूँ। आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आज का गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए और शिफ्ट का जो लेवल था उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आप में से कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर, मेरे शिफ्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है टफ था, थोड़ा सा मॉडरेट आया था। तो दोस्तों, अगर आपके शिफ्ट में स्पेशली थर्ड शिफ्ट की बात करें तो क्वेश्चन जो है रीजनिंग और कॉन्ट की थोड़ा सा जो है टफ आया था। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने बताया और मैंने अलग अलग सोर्सेज से एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि थोड़ा सा पेपर का जो है कॉन्ट की बात करें, रीजनिंग की बात करें, थोड़ा सा जो है मॉडरेट था, यानी इजी टू मॉडरेट माना जाएगा। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको जो है उसका नॉर्मलाइजेशन होकर के आपको मार्क्स जो है मिलेगा। यानी अगर आपके थर्ड शिफ्ट में जो है 65 हुए हैं, 67 हुए हैं, 68 हुए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको जो है मार्क्स बढ़ेगा। यानी जिस शिफ्ट में जो है पेपर जो है टफ है होता है उसको जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होकर के बढ़ते हैं। यानी आप लोग जो है उसके लिए चिंता मत कीजिए। आप लोग अपना जो है स्टेट और आप कितने अटेम्प्ट किए हैं मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेन का प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा। अगर आपके कल एग्ज़ाम है या आपके जो है 26 तारीख हैं तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो से मदद मिलेगा। आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ शिफ्ट, ये जो है फोर्थ शिफ्ट की बात करें तो पेपर का लेवल जो था इजी था। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, 70+ ही अटेम्प्ट हुआ है, 75, 78, 79, 80 आउट ऑफ 80 भी वो कुछ कैंडिडेट करके आए हैं, लेकिन वो एक दो कैंडिडेट ने मुझे बताया। लेकिन ओवरऑल बात करें तो आपका 70+ अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आप किसी भी स्टेट से हैं, तो आपका प्री में सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग मेन का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और आपका जो है अगर थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अगर आपने 65 भी अटेम्प्ट किया है, 67 भी किया है, 68 भी किया है, तो भी आपका जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि आपने एक्यूरेसी आपका कितना है। अगर आपके 70 भी अटेम्प्ट हुए हैं या 67 भी अटेम्प्ट हुए हैं, 68 भी अटेम्प्ट हुए हैं, अगर आपके एक्यूरेसी अच्छे हैं तो एक्यूरेसी के भी मार्क्स मिलते हैं। यानी ओवरऑल बात करें तो आपको 70+ आपके अटेम्प्ट हुए हैं तो आपको मेन का प्रिपरेशन अच्छा से करना चाहिए। जैसे सभी शिफ्ट जो है एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे, हम लोग एक प्रॉपर एनालिसिस करके स्टेट वाइज कटअप का वीडियो हम लोग बनाएंगे। लेकिन अभी आप लोग क्या कीजिए, 70+ अटेम्प्ट हुए हैं तो आप लोग मेन का प्रिपरेशन के लिए आप लोग लग जाइए। क्योंकि आप सबको पता है कि क्लर्क का जो है आरआरबी क्लर्क की बात करें, IBPS आरआरबी क्लर्क की बात करें, तो पेपर जो है ईजी आता है और ज़्यादा अटेम्प्ट होता है उसकी वजह से कटअप जो है ज़्यादा जाता है। तो कटअप बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, वहाँ पर वैकेंसी कितना है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम दिया, उस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम लोग जो है सभी शिफ्ट ओवर हो जाएंगे उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपके जो है 70+ अगर आपके अटेम्प्ट हुए हैं तो आपको 100% आपका प्री क्वालिफाई होगा, आपको मेन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए। और अभी आपके जो है कम अटेम्प्ट हुए हैं, बहुत सारे आप में से कैंडिडेट मुझे मैसेज किए थे कि सर 65 भी अटेम्प्ट हो पाया, 60 अटेम्प्ट हो पाया, यानी आपके 65 भी अटेम्प्ट हुए हैं, अगर आपके एक्यूरेसी अच्छे हैं, आपके यहाँ सीट अच्छा खासा है, तो आपको मेन का प्रिपरेशन करना चाहिए, आपका प्री भी जो है क्वालिफाई हो जाएगा। और शिफ्ट की बात करें, जिस शिफ्ट में टफ था वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होकर के मार्क्स बढ़ेंगे। यानी आपके 60 बिलो अटेम्प्ट है तो आपको क्या करना चाहिए, IBPS PO पर प्री पर 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उस पर आपका जो है फोकस शिफ्ट कर देना चाहिए। और आप में से जिन कैंडिडेट का जो है 70+ अटेम्प्ट हुआ है एक्यूरेसी के साथ, आप लोग क्या कीजिए, मेन का प्रिपरेशन में लग जाइए। और उसके साथ आप लोग IBPS RRB PO मेन का भी प्रिपरेशन कीजिए। और उसके लिए आप लोग करंट अफेयर का टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपका हिंदी का टॉपिक है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और उसमें क्या आपको करंट अफेयर के लिए जो मैं आपको बताया हूँ, आपको दोनों इस एग्ज़ाम में काम आएगा। इवन आपके सभी एग्ज़ाम में अफेयर क्लाउड का जो PDF मैंने बताया हूँ उसमें काम आएगा। उसको जा करके ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। और अभी से आप अपना जान लगा दीजिए मेन एग्ज़ाम के लिए, आप सभी का मेन में सिलेक्शन होगा अगर अभी आप अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे तो। और जिन कैंडिडेट का आप में से कल एग्ज़ाम है और 26 को एग्ज़ाम है, आप लोग कूल होकर के अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। पेपर काफ़ी आसान आ रहा है, आपके काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट होंगे और आपके प्री क्वालिफाई जरूर होंगे और मेन के एग्ज़ाम में आप जरूर बैठेंगे। दोस्तों, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।